कलेक्टर डोमन सिंह ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में मां सरस्वती तथा छत्तीसगढ़ महतारी के तेल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर नव प्रेरणा निःशुल्क कोचिंग सेंटर के द्वितीय सत्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय सहित विकास खंड मुख्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्र जुड़े रहे। कलेक्टर डोमन सिंह ने छात्रों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि जिला प्रशासन सतत आपके सहयोग में खड़ा है, आप सभी केवल मेहनत कर परिणाम देवें। जो भी कोचिंग हेतु संसाधनों की आवश्यकता होगी उसको मुहैया कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हमने इस साल कोचिंग के स्वरूप को बदलते हुए न केवल जिला मुख्यालय के छात्रों को साथ ही दूरस्थ विकास खंड मुख्यालयों के छात्रों को भी लाभ दिलाया जाएगा। 2020 के बैच की डिप्टी कलेक्टर अंशुल वर्मा ने वर्तमान परिदृष्ट में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के पैटर्न के बारे में छात्रों को विस्तृत जानकारी दी और अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान छात्रों के भी आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया गया। जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर फरीहा आलम सिद्दीकी ने परीक्षाओं के दौरान माध्यम किस तरह से बाधा बनती है एवं उस बाधा को कैसे दूर कर सकते हैं उस संबंध में उन्होंने अपने अनुभव छात्रों के साथ साझा किए। वहीं बलौदा बाजार विकास खंड के अंतर्गत ग्राम लटुआ के छात्र कुमारी आरती वर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन के इन प्रयासों से हम लोगों को एक नई दिशा मिली है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने एवं कोचिंग संस्थानों में भारी भरकम फीस के चलते हम बिलासपुर एवं रायपुर में पढ़ नहीं पाते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, पर कलेक्टर सर के द्वारा किया गया प्रयास निश्चित ही एक सराहनीय कदम है। व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो कुछ दिखे, कुछ प्रेरणा मिले। हर एक की स्थिति अलग अलग है, जैसे बताया लड़कियों की शादी वाली दिक्कतें आ जाती, बहुत सारी चीज, कोई रिटायर हो रहे हैं कि पिताजी वो चाहते हैं उनका बेटा कैसे भी हो पहले सेटल हो जाए, ये सब चीजें रहती है। तो हम लोग सारे प्लेटफॉर्म को ओपन करने के लिए इसको लेकर चल रहे हैं और बाकी फिर आपकी सफलता से ही हम लोग सफल होंगे।